हमें अपडेट आया कि वहाँ पे एनकाउंटर चल रहा है, तो अब हमने कॉल करने की कोशिश की उनसे, तो वहाँ पे उनका फ़ोन स्विच ऑफ आया। देर रात तक हम यही कोशिश कर हम उनके साथ कांटेक्ट में रहे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर हम PCR चले गए शाम के 11-12 बजे, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि यहाँ पे चार डेड बॉडीज थी, तो हमने उनको भेज दिया है हंदवाड़ा। तो फिर लेकिन उन्होंने नाम डिस्क्लोज़ नहीं किया। फिर हम सुबह 8 बजे रंगरेट में गए, जो उनका कंसर्न थाना है, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि हाँ कन्फर्म है वो गुजर चुके हैं, तो उनको हमने दफनाया है यहाँ पे हंदवाड़ा में। तो अगर वो ये उनको दफनाया जा रहा था, तो कम से कम उनके घर वालों को इतला की जाती। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो मारे के उनको वहाँ पे भेजा गया दफनाने, हमें कुछ भी नहीं पता है अभी तक। सुबह के 8-10 बजे तक हमें कुछ नहीं पता। अब यहाँ पे हमने PCR में चले गए, तो वहाँ पे बोलने की बोला कि वो उसको हमने दफना गया है वहाँ पे हंदवाड़ा में। तो बस हमें हमारी यही जी साहब से यही रिक्वेस्ट है, कम से कम हमारी जो मुदस्सिर साहब उनकी डेड बॉडी हमें वापस दी जाए, ताकि हम बाकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ है कम से कम उनके मिसेज और बच्चे उनका चेहरा देख सके। ये कोई दहशतगर्द नहीं था, ये आम इंसान था, इसका दो बच्चे है, ये रात है डॉक्टर मुदस्सिर, ये कोई ये दहशत गर्द नहीं था, ये कोई ये नहीं था, ये अपने ऑफिस में था काम कर रहा था, ये कल सुबह ही आया था अपने घर बच्चों के लेकर, ये लाया था उसने बिस्किट लाया था, ये लाया था, वो खुश हो गया, हमारा बाबा आया था, फिर वो ऑफिस चला गया, ऑफिस में इनकाउंटर हुआ, उसी में ये उसको भी मारा, अब हमको वो बच्चा भी वापस नहीं देते। LG साहब से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे को इंसाफ चाहिए। अगर मेरा भाई किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से कोई इन्वॉल्वमेंट है, तो आप मुझे सजा दीजिए, वरना मेरे को इंसाफ चाहिए। और दूसरी रिक्वेस्ट मेरी LG साहब से है कि मुझे डेड बॉडी वापस चाहिए, क्योंकि वो कोई मिलिटेंसी में इन्वॉल्व तो नहीं था, वो एक मंजा हुआ बिजनेसमैन था, वो प्रॉपर्टी डीलर था सर, तो प्रॉपर्टी डीलर, और उसके 3 बच्चे हैं सर, 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है, वो 3 यतीम हो गए हैं सर। मैं सिर्फ और सिर्फ हाथ जोड़कर LG साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे को इंसाफ चाहिए। मैं आप लोगों को यही एक अपील कर रही हूँ कि प्लीज मेरे पापा की डेड बॉडी वापस कीजिए, वो मान नहीं रहे हैं, वो यहाँ आए उन्होंने नहीं माना हमें डेड बॉडी देना, वो कौन से कसूरवार थे, हम लोग यहाँ पे 3 भाई बहन है, हम लोग क्या करें वहाँ पे, मेरा भाई वो 3rd में पढ़ता है, वो क्या करेगा, उसको पता भी नहीं है उसको पापा को क्या हुआ है, वो बोल रहा है मुझे पापा के पास देना, उसको क्या हम जवाब दें, तो प्लीज आप हमें डेड बॉडी दीजिए, वो गुनहगार नहीं था, वहाँ मिलिटेंट भी नहीं था, वहाँ सिर्फ 3 लोगों को मारा गया, क्यों, क्योंकि वो मुसलमान थे, ये क्या था, ये क्या राज है यहाँ पे। मेरा बच्चा श्रीनगर में काम कर रहा था, जब मैं सुबह उठा तो मैंने सुना कि उसको किसी ने मार दिया, उसके बाद जब मैंने सुना, मैंने सरपंच वगैरह सब साथ लाए, मैंने कहा डेड बॉडी को लाएंगे, तो वहाँ जब हम पहुँचे पुलिस कहने लगी कि ये मिलिटेंट था, जबकि मैंने खुद मिलिटेंट मारे हैं, गोलियां खाई हैं, पूरा परिवार हमारा जनाब माइग्रेंट है, और हम माइग्रेंट होने की वजह से हम ही मिलिटेंट बन गए, हमें इंसाफ ही नहीं मिल रहा है, हम कहाँ हिंदुस्तान में क्या करेंगे, हम तो पक्के हिंदुस्तानी थे, लेकिन हम ही मिलिटेंट बन गए। मैं ये गवर्नर साहब से अपील करता हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मुझे बच्चे की डेड बॉडी मिलनी चाहिए। कल दोपहर में पुलिस को इत्तला मिली थी हैदरपुरा जो नेशनल हाईवे बाईपास पर 2-3 टेररिस्ट छिपे हुए हैं, पुलिस CRP आर्मी मिलके कॉर्डन डाला, कॉर्डन डालने के बाद घर का सर्च शुरू हुआ, टॉप फ्लोर पर 3 कमरा था, चूँकि हम लोगों को पूरा लोकेशन नहीं पता था, तो मकान मालिक को बुलाया गया और जो उसमें रेंट लेकर रहते थे अपना बिजनेस करते उसको बुलाया गया था, मकान मालिक का नाम अल्ताफ अहमद डार है और जो बिजनेस करते थे उसका नाम मुदस्सिर गुल है, दोनों नौकर ने किया दरवाज़ा को मिल्टन दरवाज़ा नहीं खोला, उसके बाद
फिर उसको मौका दिया गया कि नॉक किया, मिलिटेंट्स दरवाजा खोल के अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया पिस्टल से। सेल्फ डिफेंस में हमारे लोग जो सर्च पार्टी था उसने भी फायर किया, उसमें इनकाउंटर शुरू हो गया। फिर हम लोग थोड़ा सा इनकाउंटर को रोके और ट्राई किया कि वहाँ से सिविलियन दोनों को रेस्क्यू करें, लेकिन जिस ढंग जगह वो लोग खड़ा थे वहाँ से निकलना बड़ा बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मिलिटेंट्स के फायरिंग में दोनों को पिस्टल से इंजरी हुआ, दोनों मारे गए। साथ ही साथ इनकाउंटर में दो टेररिस्ट मारे गए, एक का शनाख्त अली बिलाल भाई कहते हैं, कोर्ट को हैदर भी बोलता है, मोस्ट ये पाकिस्तानी टेररिस्ट है। दूसरा लोकल टेररिस्ट है, शायद ये रामबन बनिहाल साइड का है, उनके घर वाले को हम लोग बुला रहे हैं, फोटो दिखाएंगे, आइडेंटिफाई हो जाएगा। घर वाले का क्योंकि उसके घर में हेडोट था, मिलिटेंट रहता था, इसलिए उसको हम लोग हार्बरिंग में उसको इंक्लूड करेंगे, उसको हम लोग OHW में काउंट करेंगे। लेकिन उसका क्रॉस फायरिंग में डेथ हुआ है, हम लोग अफसोस है, हम लोग चाहते तो उसको बचा सकते थे, बहुत प्रयास किया गया लेकिन बचाना मुश्किल था क्योंकि दोनों साइड से फायरिंग हो रहा था। लेकिन मुदस्सर जो था ये हार्डकोर टेररिस्ट का, ये टॉप रैंकेड, ये OHW के हैं, टेररिस्ट से था, ये मिलिटेंसी में काफ़ी इन्वॉल्व था। प्लीज मेरे मुदस्सर को वापस ला, मेरे मुदस्सर की शक्ल दिखा, वो कोई टेररिस्ट नहीं था, वो कोई OGW नहीं था। मैं बार 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 एक ही बात बोल रही हूँ, इफ ही वॉज एन OGW, if he is really an OGW, if you have proper documentation, proper proof, if you properly know he is an OGW, kill me first, then kill my daughter. I am giving you proper authority, full authority, kill us both, because I know he wasn't an OGW, he wasn't a terrorist, wo kuch nahi tha, wo koi galat insaan nahi tha, he wasn't earning money illegally, he wasn't doing anything illegal. Creta creta khajas mulkas guard mazo sara mujahideen log bo rahe hain apni gaadi mein militant ko leta tha, usne parso wo gaadi layi hai, wo bhi finance pe hai, so usne kaha yoot hairi se, so usne kaha yoot board duniya da, so us panin mazdoor mahajgat karan panun ayal us palan, wo apne bachon ko palta tha, apni biwi ko palta tha, अपने माँ बाप को पालता था, मेरी बेटी के साथ अच्छा कर। जब इन्होंने कार्डन स्टार्ट किया था तब इन्होंने सब कुछ जमा किया था रॉयल एनफील्ड शोरूम में, फिर एक एक करके इनको बुलाया, पहले बोला ओनर कौन है, फिर अल्ताफ साहब को निकाला, तीन बार उसको निकाला, तीसरी बार वो नहीं आया, और उसको जो आमिर साहब है उसको पहले ही मारा था, उसको पहले वो उसको बोला पहले जाने के लिए, फिर उसको क्लासिक हॉस्पिटल से वापस लाया। जब वो वापस आया वहाँ से तब उन्होंने ऑन स्पॉट मतलब पॉइंट ऑफ ब्लैंक रेंज पे उसको मारा है, वो अभी भी वहाँ पे जो गोलियाँ है और जो उसका सर नीचे था उसका खून अभी भी था, उस पर हमने फिर रेत लगाई। तो उसके बाद जो मुदस्सिर साहब को इन्होंने लिया है थाने में लिया इन्वेस्टिगेशन के लिए, अल्ताफ साहब को इंट्रोगेशन में, फिर उसको वहीं पे मारा, फिर जो मुदस्सिर साहब है उनको फिर थाने में लिया कि उसे क्योंकि ये उसने विजुअलाइज सारा किया था, या तो इनकी बहके में नहीं आया कि आप ये करो कि वहाँ पे था कोई, तो फिर रात के 2 बजे या रात के बजे वहाँ पे लिया, फिर हमने तीसरी बॉडी, हालांकि 3 ही है, ये 4 बोल रहे हैं और ये पाकिस्तानी मिलिटेंट जो हैदर बोल रहे हैं उसकी तो इन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिया, लेकिन 3 ही है। अब ये हमें जस्टिफाई चाहिए पहले मुदस्सिर साहब की पूरी इन्वेस्टिगेशन करें और उसको इनोसेंट, और हमें बॉडी चाहिए। مدثر کتان سو مدثر کتان میانی خدایا